सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा की तहसील में कांग्रेसियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने किया सत्याग्रह, धरना प्रदर्शन कर एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी नेता सलाम वकील ने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर सिद्धार्थनगर कांग्रेस कमेटी द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में विधानसभा स्तरीय सत्याग्रह शुरू किया है। सरकार से अनुरोध करता हूं कि ये काले कानून वापस ले, नौजवानों को नई भर्ती योजना लागू करे। वहीं कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष डॉक्टर नादर सलाम का कहना था कि सत्ता के आग्रह के लिए इसका आयोजन किया गया है। सरकार अग्निपथ योजना बनाकर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसलिए केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो जनता और नौजवानों की आवाज को सुने और गलत रास्ते को त्याग कर सत्य के रास्ते पर चले। सिद्धार्थनगर से संवाददाता न्यामतुल्लाह की रिपोर्ट। क्या वजह है कि आपको सत्याग्रह पर बैठना पड़ा? कि साहब के सरकार में जो मिलिट्री है, पैरामिलिट्री है, जो हमारे फोर्सेज हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इन सभी ने अग्निपथ एक योजना लाई है जो 4 साल के कार्यकाल का है। 2 साल ट्रेनिंग पीरियड में चला जाएगा और 2 साल की नौकरी रहेगी। तो इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी नौजवानों के समर्थन में, जो नौकरी पाने वाले हमारे जवान उनके समर्थन में इस सत्याग्रह का आयोजन किया है कि इस कानून को वापस ले लें। और जब जब देश में काला कानून भारतीय जनता पार्टी लाई है, कांग्रेस ने उसमें आगे बढ़कर देश के हित में काम किया है, चाहे वो किसान की जमीन अधिग्रहण का मामला हो, इस सरकार को वापस लेना पड़ा, चाहे किसान आंदोलन हो, किसान के काले कानून हो, उसको वापस लेना पड़ा। इसी तरह से कांग्रेस नौजवानों के साथ है, कांग्रेस के विकास के लिए है। और कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के का जो उसूल है कि हमारे नौजवानों को भी पढ़ करके देश का सेवा करना चाहते हैं, उनको चौकीदारी नहीं चाहिए, उनको नौकरी चाहिए। और हमारे देश में इन नौजवानों को नौकरी पूर्णकालिक सेवा दी जाए और उनको इनके रिटायर होने के बाद उनको पेंशन दिया जाए। इस योजना के विरोध में कांग्रेस पार्टी के वाहन पर हम लोगों ने नौजवानों को समर्थन किया। किसको संबोधित है आप लोग देंगे और उसमें क्या मांगे रखी गई है? ये महामहिम राष्ट्रपति को और माननीय ये प्रेसिडेंट साहब के माध्यम से इसको भेजा जाए। उसमें क्या मांगे रखी गई है? आपको बुलाया गया है, उसको वापस लिया जाए और जो हमारे सशस्त्र बल में शामिल होने वाले सपना देख रहे हैं उनको पूर्णकालिक मतलब सेवा दी जाए, उनकी भर्ती की जाए। और आज देश